بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم زیڈ کے ولاگ کی جانب سے میں محمد زیب خان آج آپ کو دم پخت بنانے کا طریقہ بتائیں گے آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں درکار ہیں जी आप क्या बना रहे हैं दम पुख्त ये कितनी देर में तैयार हो जाएगा ढाई घंटे में दो से ढाई घंटे लगेंगे इसको तैयार होने में ईशा जी अभी इसमें आलू और चर्बी लगा रहे हैं नीचे ज़्यादा नहीं हो गई भाई चर्बी और आलू की तह लग गई है पतीले में इसमें पानी भी है और अब शाह जी जो है ना गोश्त को नमक लगाने लगे शाह जी गोश्त धोया था आपने जी धोया था ठीक है लगा रहे हैं नमक ये नमक लग गया है इसको ये क्या चीज लगाई है अभी आपने काली मिर्च ये अच्छे से मिक्स कर रहे हैं अभी पतीले में गोश्त डाल दिए हैं हरी मिर्च अदरक लहसुन डाल दिया ये लहसुन भी साथ में डाल दिया लहसुन इसमें डाल दिया साबित और ये प्याज
अच्छा जी, एक हरी मिर्च रह गई वो भी डालना। माशाल्लाह, ये अब हम इस पे लगाएंगे आटा किनारों पे। आटा लगा रहे हैं, नमक वमक डाल दिया। जगह से कम करना है। क्या कर रहे हो शाह जी? अच्छा, ये जो लीक हो तो क्या होता है? लीक नहीं होना चाहिए, लीक होगा गोश्त नहीं गलेगा। ये जुबैर साहब हैं, तमाशा देख रहे हैं, हंस रहे हैं, और शाह जी मेहनत कर रहे हैं। ये अब तैयार है चूल्हे पर रखने के लिए। अब चलते हैं हम इसको चूल्हे पर रखने के लिए। अब शाह जी इसे करो, इसको ऊपर उठा दो। खींचना नहीं, तो फिर खींचने से अंदर निकल आएगी। पीछे मोड़ है, चलो वेट की जरूरत पड़ी है, ईंट पर पड़ी है ना। हाँ पड़ी भी, ईंट रख देंगे ना। ठीक है, टेस्ट करना। सर जी कितनी देर में अब तैयार हो जाएगा? ढाई घंटे। ढाई घंटे में? ठीक है, यानी अभी टाइम हो रहा है 9:15 और ये तैयार होगा 11 बजे। How sweet.